नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। छठ पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि हमारे संस्कार, संस्कृति और हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। देश भर के लोग विधि विधान से पूजा करने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। लोक आस्था का महापर्व आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज छठ पूजा में तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज शाम को व्रती महिलाएं विशेष मंत्रों का जाप करते हुए डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हुई नजर आएगी। छठ पूजा में लोग पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ शामिल होते हैं। छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते सूर्य और चौथे और आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो छठ पर्व की अपनी अपनी महत्ता है। ऐसे में छठ के व्रत में छठी मैया की पूजा की जाती है और सूर्य देव की भी उपासना की जाती है। ऐसे में आज छठ के तीसरे दिन और ये तीसरा दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देश भर में छठ की रौनक है, धूमधाम से महापर्व छठ मनाया जा रहा है। तमाम तरीके से व्यवस्थाएं की गई है ताकि लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। आपको वो तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे छठ घाट की, तमाम जिलों में भी ले जाएंगे, राज्यों में भी ले जाएंगे कि कहां किस तरीके से छठ की तैयारी है, किस तरीके से घाट बनाया गया है और क्या कुछ घाट पर रौनक है। क्योंकि ये महापर्व सिर्फ बिहार की धरती पर ही नहीं मनाया जाता बल्कि बिहार और पूर्वांचल के लोग जहां भी होते हैं वहां पर छठ पर्व मनाया जाता है। तो घाट की वो तमाम तस्वीरें हम आपके सामने लाएंगे और वो तमाम जिलों और राज्यों से लाएंगे किस तरीके से महापर्व छठ मनाया जा रहा है। तो छठ सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि लोगों की आस्था है, यूपी बिहार के लिए भावना है जिसमें ममता छिपी है। तो मान्यता है कि छठी मैया किसी की और सभी की मान्यता जो भी आप मानते हैं उसे पूरी कर देती। तो चार दिन तक ये पर्व मनाया जाता है और आज तीसरा दिन। तो हमारे साथ संजय शुक्ला लखनऊ से जुड़ चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ सुशील तिवारी गाजीपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कमलेश कुमार मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जिस तरीके से संजय शुक्ला जी, क्योंकि क्या कुछ रौनक है छठ घाट की, पहले तो ये दिखाइए। और कुछ ही देर में सीएम योगी भी पहुंचेंगे, ऐसे में कितनी देर में वो पहुंचेंगे, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है घाट पर जी? हम आपको बता देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी छठ घाट पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने छठ कार्यक्रम का शुभारंभ भी कर दिया है। अब वो सीधे भोजपुरी समाज द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जनसभा टाइप में, उसमें वो बैठ चुके हैं मंच पर। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, मेयर सुषमा खरकवाल जी है, नगर आयुक्त, जिलाधिकारी, कमिश्नर, मतलब पूरा राजधानी का अमला ही मुख्यमंत्री के साथ में डटा हुआ है। लखनऊ के एकदम मध्य स्थित गोमती घाट पर ये जो छठ पूजा का कार्यक्रम का जो तीसरा दिन सबसे अहम दिन माना जाता है, आज के दिन महिलाएं जो भगवान सूर्य अंतिम अवस्था में जो उनका अर्घ देते हैं, ये लोग उनके अस्त होने का जो कार्य होता है उसपे ये लोग उनको अर्घ दे रहे हैं। बिल्कुल, मेरे साथ कमलेश कुमार जी भी मौजूद है। कमलेश जी, क्या कुछ तस्वीरें हैं घाट की, किस तरीके से जनसैलाब उमड़ा है, कैसे लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं क्योंकि आस्था के महापर्व का ये आज तीसरा दिन है, ऐसे में क्या कुछ घाट की रौनक? देखिए, बता दें कि आज जो छठ पूजा का तीसरा दिन है, इस समय मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर जो बटिया घाट पर मौजूद है, यहाँ पे इतनी भारी भरकम भीड़ के पूरे पूरे घाट पर जनसैलाब महिलाओं के श्रद्धालुओं की उमड़ चुकी है। बता दें कि आज का भी एकदम जगह नहीं है, लोग इस तरह से देखा जा रहा है कि लोग आस्था भरी महिलाएं जो है अपना व्रत रखते हुए आज माँ गंगा घाट पर आकर पूजन अर्चन कर रही है। संजय शुक्ला जी, तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को, क्योंकि जो अपने घर से दूर है वो भी देखे। और क्या कुछ रौनक है अभी घाट पर, किस तरीके से जनसैलाब उमड़ रहा है, क्या कुछ लोग कह रहे हैं, किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, तस्वीरें दिखाइए। यहाँ एकदम महा उत्सव जैसी हो गई है, जगह जगह ढोल नगाड़े। हमारे कैमरामैन राहुल जी आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जो गोमती घाट तक जा रही है। लखनऊ का यहाँ पर प्राधिकरण, नगर निगम,
यहाँ के जो भी सरकारी जितने संस्थान हैं वो सब सारे कार्यक्रमों में शरीक हुए हैं, सबके बैनर पोस्टर सारे लगे हुए हैं। पूरी राजधानी का प्रशासनिक अमला मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को एकदम नया रंगन देने के लिए बना हुआ है। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है। आप सीधे देख रहे हैं लाइव, यहाँ कम से कम हजारों से हजारों संख्या की भीड़, कम से कम लाखों की भीड़ लखनऊ में छठ लक्ष्मण जो झूला मैदान का पार्क है, प्रतिवर्ष की भांति यहाँ कम से कम लाखों की संख्या में महिलाएं छठ का व्रत करने के लिए यहाँ आती हैं। आज तीसरे दिन के बाद कल फिर उगते हुए सूर्य को देखकर के कार्यक्रम का समापन होगा, लेकिन आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इतने सांस्कृतिक आयोजन जो हो रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल चारों तरफ उत्सव का ये माहौल आप देख सकते हैं तस्वीरों में, किस तरीके से ये लखनऊ घाट की तस्वीर है। तमाम तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था भी की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गाजीपुर से भी जुड़ चुके हैं। सुशील तिवारी जी, क्या कुछ रौनक, क्या कुछ तस्वीरें घाट पर, कितने घाट बनाए गए हैं गाजीपुर में, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? की बात करें तो का जो त्योहार है पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारे चार ऋग्वेद में ये वर्णित है, जहाँ पे की पूजा की आराधना होती है, आर्य परंपरा की बात होती है। श्रद्धालु हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि जब शाम को वहाँ पे खड़े थे वो अर्घ दे रहे थे, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। मैं आपका परिचय देना चाहूंगा और बताइए। मैं अरुण कुमार सिंह, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक आज अच्छी माता स्त्री को अर्घ दिया गया है। लक्ष्मी माता ब्रह्मा मानव स्त्री है और श्री भगवान उनके कृपा से संपूर्ण जगत का उद्धार होता है, संपूर्ण जगत से समृद्धि होती है। और यह त्योहार जब से चित तक एकदम चमक रहा है, लोगों को दिखाई दे रही है। अगर आपसे आज पर का त्यौहार जिस तरीके से आप परिवार के साथ दूर मनाए, तो पूरा जनपद गाजीपुर आप क्या कहेंगे, कितने समय से यह त्यौहार आप मना रहे हैं आपका परिवार? हमारा परिवार का त्यौहार कम से कम 15 वर्षों से मना रहा है। हमारा बेटा पास से वही दलिया लेके आता था, और पत्नी की तबियत काफी खराब, इसलिए जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ी है। कितनी श्रद्धा लगातार सात दिन उनके भगवान को अर्घ दे रही, लड़ नहीं रहा था बार है, कितनी ऊर्जा उनके पास और कितनी जनता यहाँ पर इकट्ठा है। जनता का जो समागम है वह देख कर पूरा भरोसा है सभी श्रद्धालु जन उसका लाभ उठाएंगे। सबको श्री भगवान के उठते हुए श्री भगवान का अर्घ देने पर जो लाभ मिलेगा, डूबते हुए और उगते हुए सूरज की उपासना की जाती है, यानी कि अस्त होते हुए और उदय हुए सूर्य की भी उपासना की जाती है। कई अहम बातों का ध्यान रखा जाता है इस पूरे छठ के दिन, पवित्रता का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है, तो अर्घ को सजाया जाता है, तमाम तरीके से भगवान को खुश करने की कोशिश की जाती है और बिना अनुष्ठान के ये पर्व मनाया जाता है। हमारे साथ मिर्जापुर से हमारे संवाददाता कमलेश जुड़ चुके हैं। कमलेश लगातार बने हुए, कमलेश क्या कुछ तस्वीरें हैं, लोगों से बातचीत करिए, कितना उत्साह उनमें, कितना रौनक अभी घाट पर? मैं इस समय बरिया घाट में मौजूद हूं, क्योंकि लोगों से यहाँ बात कर रहे हैं किस तरह से उनकी श्रद्धाएं हैं, कितने दिन तक उपवास रहती हैं, आज उनके लिए क्या खास है। क्या नाम है आपका? आप गंगा घाट से आई है, कैसा लग रहा है? देखिए कुछ सुन रहा है आपको, आज कैसा लग रहा है दर्शन करने? बहुत अच्छा, बहुत। कितने दिन से व्रत है यहाँ? वो हमारी दीदी व्रत। अच्छा, दीदी व्रत है, उनके साथ में आई? तीन साल से और इतनी भीड़ है कि और भी श्रद्धालु से हम बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आपके चौबीस चाहिए थोड़ा सुंदर आ जाए। और जो आपका हुए है और इतनी भारी बर्तन यहाँ देखा जाता है, कुछ भी होता यहाँ ऊपर नीचे तक व्यवस्था करते हैं और समय समय पर ऐतिहासिक गंगा घाट पर ही गोता कोर के लगे हुए हैं व्यवस्थाओं को देखते हैं। अब देखो कुछ और सवाल से बात करते हैं यहाँ पर। आंटी क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या
आज कैसा लग रहा है? अच्छा भी है आज पर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। व्रत भी हम तो बिहार के ही है ना, प्यार किया जहाँ तो शुरुआत वही। हाँ 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 अच्छा क्या चला चाहे तो बिजा को कहें की ये महाश्रद्धा का पर्व है, इसको पूरी आस्था से मनाए। ये हमारी संस्कृति के लिए संस्कृति की धरोहर है, हमारा देश क्या उगते सूरज और डूबते सूरज दोनों को पूजा जाता है। बस और अभी लोगों से पूछते हैं कि बहुत भीड़ है यहाँ पर भाई, क्या नाम है? ठीक है कमलेश, वापस लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ संजय शुक्ला हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। संजय तस्वीरें दिखाइए और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि नदी में लोग डूबकर सूर्य को अर्घ देते हैं, ऐसे में गोताखोरी की क्या क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ तैयारी? श्रुति जी आप बताना चाहते हैं कि आप देखें कि इंडिया वाइज सीधे जहां मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, सड़क खाली करा दी गई, यही से मुख्यमंत्री जी अभी पीछे से ही निकलने वाले हैं। हम लोग इंडिया वाइज की टीम आपकी उस रास्ते में खड़ी हुई है। हम लोगों को भी बार बार प्रशासनिक इशारा किया जा रहा है कि आप लोगों को हटना होगा, मुख्यमंत्री जी जनसभा को समाप्त कर चुके हैं। ये हम अपने कैमरामैन राहुल जी से कहेंगे कि ये कैमरा भक्तों की तरफ दिखाने का प्रयास करें, जिसमें आप देखें कि हजारों हजारों की संख्या में प्रशासनिक बल, बड़े सुरक्षा अधिकारी, एनडीआरएफ की टीम, नावें भी गंगा गोमती में टहल रही है। इंतजाम इतनी, व्यवस्था इतनी बड़ी हुई है कि कहीं से भी किसी भी चीज की कोई घटना परिघटना का कोई समाचार नहीं है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा समय दे करके और कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करके, अब आप देख रहे होंगे पीछे से सीधे गाड़ी आने वाली है, ये रास्ता जिस पर हम खड़े हुए हैं ये रास्ता खाली करा दिया गया, केवल इंडिया वॉइस लाइव कर रहा है इस कार्यक्रम को जहां मुख्यमंत्री जी से निकलना है। बिल्कुल, आपके पीछे से ढोल नगाड़ों की भी आवाज आ रही है, वो छठ के गीत भी सुनाई दे रहे हैं। घाट के अंदर की तस्वीरें क्या कुछ है संजय? हम लोग चूंकि डी में खड़े हुए हैं इसलिए कहीं मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बगल की चारों तरफ से पूरी भीड़ एकदम भरी हुई है, मुख्यमंत्री जी का काफिला एकदम निकलने वाला है। हम लोगों के लिए भी इशारा हो गया है कि हम लोगों को भी बाहर जाना है, इसलिए इस सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि रास्ते खाली कर दीजिए, हम लोग उस रास्ते से अलग हट के उस जगह जा रहे हैं जहाँ पर की छठ लोगों का पूरा कार्यक्रम है, क्योंकि सुरक्षा का बहुत बड़ा, आप जान रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाँ कितने बड़े स्टार प्रचारक हैं, जिनका पूरे देश में महाराष्ट्र को लेकर जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर उनकी डिमांड है, तो सुरक्षा के ये तगड़े इंतजाम हैं, उनको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है कि कहीं के अंदर जाइए। क्या कुछ तस्वीरें हैं आप दर्शकों को दिखाइए, तब तक सुशील तिवारी जी हमारे साथ लगातार बने हुए। सुशील जी क्या कुछ तस्वीरें, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, कैसा माहौल, कितना रौनक अभी? सभी लोग नाव से यहाँ पे गंगा के तट के किनारे जायजा ले रहे थे, और मेरे पीछे भी आप देखें तो आपको दिख रही है वो माता है, वो पहले जो कि छठ का वो त्योहार है जो कर रही है, और आप आप धूप को देख रहे हैं जो गांव में जो लोग यहाँ पे सर के ऊपर वो दौरा हम जिसे कहते लोग शाम को रख के अपने घर की ओर जा रहे हैं, और महिलाएं निर्जला व्रत रखती है। गाजीपुर की मैं बात करूँ तो बिहार से एक छठा हुआ ये जिला है, और निश्चित ही यहाँ पे अगर मैं कहूँ बिहार और उत्तर प्रदेश से अगर छठ पर्व का त्यौहार आपको देखना है तो इस बार आप जरूर आए। गाजीपुर जिले का ये पूरा प्रियंगम दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, शाम का ये समय है लगभग 5:30 पहले की, इंडिया वाइज के कैमरे पे आप सीधे देख पा रहे हैं क्योंकि लोग अपने घर की ओर जा रहे हैं, और उसी कल सुबह फिर ये लोग आते हैं और वही की आराधना करते हैं, और इसी कि जब सूर्य और प्रकट हो उसके बाद लोग पूजन अर्चन करते हैं। शाम के समय गाजीपुर बात बता दूं तो यहाँ पे काफी भीड़ थी, गंगा तट के किनारे पूरी व्यवस्था बढ़ती गई थी, और ये शाम को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे आप देख पा रही है कैमरे पे इंडिया वाइज के सीधे जो लोग अपने घर को जा रहे हैं, और जो परिवार के जो लोग हैं यहाँ पे काफी बड़ी भीड़ है, और एक बहुत बड़ा अध्ययन तला मैं आपको सीधे दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे देखते कुछ ऐसे महिलाएं हैं तो उससे बात करने की बिल्कुल पूरी कोशिश करता हूँ। आपका क्या नाम है? आप वही देखिए जो महिलाएं हैं जी, लोगों में उत्साह है और बेहद रौनक नजर आ रही है क्योंकि लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, संजय शुक्ला जी, कमलेश जी, सुशील तिवारी जी, तमाम जानकारियों के लिए
आप सभी का धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से घाट सज चुका है और सभी छठी मैया के जयकारों के साथ घाट भी गूंज रहा है और डूबते के साथ उगते हुए सूर्य की उपासना कल की जाएगी, यानी कि चौथे दिन कल सुबह उठते ही उगते हुए सूर्य की उपासना की जाएगी। उसके बाद छठ महापर्व खत्म हो जाएगा, संपन्न किया जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया।